पिछले व्याख्यान में हमने क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में अध्ययन किया। क्रांतिकारी आंदोलन का जो प्रथम काल था 1906 से 1914 तक, जिसमें बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान और विदेशों में क्रांतिकारी जो कार्य हुए उनके बारे में हमने बातचीत की। दूसरा काल 1919 से 1932 तक का था, जिसमें काकोरी केस, भगत सिंह और बम कांड, ये प्रमुख घटनाएं हुई। तीसरा जो काल था वो था 1939 से 1946, जिसमें 21 अक्टूबर 1943 को भारत की अस्थायी सरकार सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाई गई, जिसे जर्मनी, जापान और अन्य युद्ध सहयोगियों ने मान्यता भी दे दी, लेकिन क्रांतिकारी आंदोलन असफल हुआ। तो क्रांतिकारी आंदोलन की असफलताओं के क्या कारण थे, उन क्रांतिकारी आंदोलन की तत्कालीन असफलताओं के कारणों का आज के इस व्याख्यान में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो क्रांतिकारी आंदोलन की असफलता का पहला कारण था केंद्रीय संगठन का अभाव। क्रांतिकारी केंद्रीय संगठन न होने के कारण विभिन्न प्रांतों के क्रांतिकारी नेताओं में पारस्परिक सहयोग और संबंधों का अभाव रहा, वे संगठित रूप से कार्य न कर सके। दूसरा कारण था आंदोलन का नवयुवकों तक सीमित होना। यह आंदोलन मध्यम वर्ग के शिक्षित नवयुवकों तक ही सीमित रहा। यह नवयुवक साधारण जनता का सहयोग एवं समर्थन प्राप्त नहीं कर सके। तीसरा है उच्च मध्यम वर्ग की सहानुभूति का अभाव। क्रांतिकारी राष्ट्रीय आंदोलन के संचालकों की सहानुभूति प्राप्त नहीं कर सके। इस वर्ग के लोग क्रांतिकारी कार्यों को घृणा की दृष्टि से देखते थे तथा स्वराज्य के लिए वैधानिक साधनों में विश्वास करते थे। इस तरह से उच्च मध्यम वर्ग की सहानुभूति भी क्रांतिकारियों को प्राप्त नहीं हो सकी। चौथा कारण था ब्रिटिश सरकार की दमन नीति। ब्रिटिश शासन द्वारा क्रांतिकारियों के विरुद्ध कठोर नीति अपनाई गई। 1907 में सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1908 में विद्रोह सभा अधिनियम पास किया गया। 1908 में फौजदारी कानून को कड़ा बनाया गया। जूरी की व्यवस्था में यूरोपियंस का बहुमत रखा जाता था। मामूली अपराधों पर भारतीयों को मृत्युदंड, कालापानी, देश निर्वासन की कठोर सजाएं दी जाती थी। इस तरह से ब्रिटिश सरकार की दमन नीति भी क्रांतिकारी आंदोलन की असफलता का एक प्रमुख कारण था। पांचवा है अस्त्र शस्त्रों की प्राप्ति में विशेष कठिनाई। क्रांतिकारियों के पास उत्साह तो था परंतु साधनों की कमी थी। अस्त्र शस्त्रों की प्राप्ति में बहुत कठिनाइयां थी। गुप्त रूप से अस्त्र शस्त्र प्राप्त करने होते थे। सरकार के आंखों में धूल झोंकने में हमेशा सफल होना संभव नहीं था। छठा कारण है क्रांतिकारियों के प्रति कांग्रेस की उदासीनता। कांग्रेस सत्याग्रह में विश्वास था और इसलिए कांग्रेस क्रांतिकारी जो गतिविधियां थी उनके प्रति उदासीन थी, तो क्रांतिकारियों को इस तरह से जन समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। सातवां है गांधी जी का अपूर्व सत्याग्रह आंदोलन। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के रूप में क्रांतिकारी आंदोलन का विकल्प प्रस्तुत किया, जो भारतीय जनता में अधिकाधिक लोकप्रिय होता गया। अहिंसात्मक क्रांति क्रांतिकारियों के लिए घातक सिद्ध हुई, अंततः वह समाप्त हो गया। अब हम अध्ययन करते हैं राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान। क्रांतिकारी तत्काल अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहे, किंतु राष्ट्रीय आंदोलन में अपूर्व योगदान दिया। राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस का अहिंसात्मक आंदोलन और क्रांतिकारी आंदोलन ने एक दूसरे के पूरक का कार्य किया। क्रांतिकारियों ने सामान्य जनता को देश प्रेम और निष्ठा, बलिदान और त्याग का पाठ उपदेश देकर नहीं, उदाहरण प्रस्तुत करके ही पढ़ाया जा सकता है। क्रांतिकारियों ने ऐसा ही किया, जिससे जनता में जागृति आई। क्रांतिकारियों के फांसी पर चढ़ने की घटनाओं को भुलाया नहीं जा सकता था। क्रांतिकारियों ने समूचे राष्ट्र को झकझोर दिया। लोग स्वतंत्रता के लिए लालायित हो गए। उन्होंने ब्रिटिश शासन से भय की भावना को समाप्त किया। यही कारण था कि ब्रिटिश शासन ने राजनीतिक मांगों को स्वीकार किया कि जनता क्रांतिकारी न बन जाए। उनके योगदान के संबंध में कवि दिनकर के शब्दों में है, दिशा दीप्त हो उठी, प्राप्त कर पुण्य प्रकाश तुम्हारा, लिखा जा चुका अनल अक्षरों में
इतिहास तुम्हारा। इस तरह से आज के इस व्याख्यान में हमने क्रांतिकारी आंदोलन की तात्कालिक असफलता के कारणों का अध्ययन किया। धन्यवाद।